हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वालिटी कंट्रोल साइट पे कैसे कंट्रोल की जाती है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, ये है हमारी CTM मशीन। जी हाँ दोस्तों, इसको ही हम बोलते हैं CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। आप देख रहे हैं, ये CTM मशीन है। ये है हमारा स्पेसिमेन जहाँ लोड हमारा अप्लाई होगा। ये हमारी CTM है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जिसमें क्यूब टेस्ट होगा। डिजिटल CTM यहाँ पे लिखा है 2000 किलोन्यूटन का। तो आपको मैं लैब से, QC लैब, क्वालिटी कंट्रोल का जो लैब है, QC लैब, वहीं से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको चलता हूँ, देखिए और भी जो हमारे लैब में क्या क्या है। इसको बोलते हैं GIC, ये 450 mm डेया की है। और इसी तरीके से डिफरेंट साइज़ जो है इसमें अरेंज करके रखा हुआ, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये GI सीव है, वो सिर्फ ब्रास सीव है। ब्रास सीव फाइन सीविन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारी हमारी ब्रास सीव है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है, जो एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है हमारा स्लम्प कोन का स्लम्प टेस्ट, जो कंक्रीट के लिए हम लोग स्लम्प टेस्ट करते हैं। ये हमारा स्लम्प कोन है, इससे ही हम फ्रेश कंक्रीट को, जो हमारा RMC से माल आएगा या जो भी साइट पे मिक्स करेंगे, डिज़ाइन मिक्स को जो भी चेक करना है, इससे हम लोग स्लम्प कोन का स्लम्प टेस्ट करेंगे। ठीक है, स्लम्प कोन टेस्ट अपैरेटस आप यहाँ देख रहे हैं। उसी तरीके से फिर कोर कटर है, प्लस डॉली और रैमर है। ये हमारा कोर कटर इक्विपमेंट है, ये हमारा कोर कटर इक्विपमेंट है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोर कटर प्लस डॉली और रैमर है। ये हमारा ये हो गया रैमर, और ये हमारा हो गया कोर कटर और उसका डॉली। उसी तरीके से हमें वेट करने के लिए हमें डिजिटल बैलेंस चाहिए होता है, जो यहाँ पे 1 ग्राम एक्यूरेसी के साथ 30 kg तक वेट हम इसका कर सकते हैं। फिर हमारे पास हॉट प्लेट, उसके बाद हमारे पास रैपिड मॉइस्चर मीटर है। ये सारे टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे आने वाले समय में। ये हमारा मोल्ड है, स्टैंडर्ड मोल्ड, और ये हमारा क्यूब मोल्ड है ISI मार्क का। और फिर हमारे पास PVC का मेजरिंग जार है, ये 500 ml का है PVC का मेजरिंग जार, आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास इनामल ट्रे है, इनामल ट्रे डिफरेंट साइज़ की है, ये सर्कुलर ट्रे भी है इसमें ये। और ये हमारे पास ट्रॉवल है, और ये हमारे पास इनामल ट्रे है। ठीक है, ग्रेजिंग ट्रॉवल प्लस स्कूप, आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेजिंग ट्रॉवल है और स्कूप है। उसके बाद हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर है, ये हमारा डिजिटल थर्मोमीटर है। और फिर हमारे पास पेन टाइप थर्मोमीटर भी है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो है कि क्वालिटी कंट्रोल की, अगर आप लैब की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपको एक साइट अगर प्रॉपर वे में एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड आपका जो कहता है, उसके हिसाब से आपका इस टाइप का लैब का सेटअप होना चाहिए, तभी जाके आप एक क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं एक्चुअल साइट पे। तो इस तरीके से अगर जो भी हमारे यंग सिविल इंजीनियर्स, जो QA QC का अपैरेटस, वैसे तो आप लोगों ने कॉलेज में भी देखा होगा, लेकिन एक्चुअल साइट पे इस तरीके का सेटअप करके काम किया जाता है, जो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्लम्प का है, और इसी तरीके से ये कॉन्क्रीट को ले जाने के लिए ये यूज़ होता है। और यहाँ पर बहुत सारे क्यूब जो है, कंक्रीट के क्यूब मोल्ड्स के लिए रखे हुए हैं, बहुत सारे सीव्स भी रखे हुए हैं। तो ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल का सेटअप है, ये पुराना पूरा हमारा सेटअप है, जिससे हम यहाँ पे आने वाले समय में टेस्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है हमें कि ये वीडियो आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, और आपको आगे इसी तरीके से हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो आने वाले समय में मिलेगा। तो हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इस प्रकार की प्रैक्टिकल वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।